हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कि उन स्टूडेंट के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जो स्टूडेंट या तो बी फार्मेसी कर रहे हैं, एम फार्मेसी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं और एमएससी कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि वहां पर आपको मेजर प्रोजेक्ट करना होता है, रिसर्च वर्क करनी होती है। तो मेजर प्रोजेक्ट का मतलब है कि या तो आपको रिसर्च वर्क करनी पड़ती है या तो कोई रिव्यू वर्क करना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई रिसर्च वर्क किया है तो उस रिसर्च वर्क के बाद एंड में जब आपका पूरा रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाता है, आपकी पूरी थीसिस बन जाती है, तो उसके बाद होता है एक्सटर्नल वाईवाई, जहां पर बाहर से आया हुआ एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चनिंग करता है और आपको मार्क्स देता है कि आपने जो भी आपके आंसर होते हैं उसके बेसिस पे वो आपको मार्किंग होती है और जो भी आपका वर्क होता है। तो यहां पर कई स्टूडेंट जो होते हैं वो काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता नहीं होती है कि उस वाईवाई के अंदर एक्सटर्नल उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि आप, खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने कोई रिसर्च वर्क किया है, चाहे वो बी फार्मेसी में हो, एम फार्मेसी में हो, बीएससी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, उन्होंने अगर कोई रिसर्च वर्क किया है तो उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम वो बात करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गंवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्सटर्नल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो वाईवाई होता है वो स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। ज्यादातर जो वाईवाईज होते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स के, वो स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू होते हैं। और कई बार वाईवाई जो नॉर्मल वाईवाई होता है फेस टू फेस वो हो जाता है, ठीक है, उसमें स्लाइड प्रेजेंटेशन का कोई रोल नहीं होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपके टाइटल से रिलेटेड होता है। जो भी आपका प्रोजेक्ट या रिसर्च वर्क का जो टाइटल है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आपने किसी ड्रग्स में, किसी कोई नई ड्रग के ऊपर कोई रिसर्च वर्क किया है तो उस ड्रग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ड्रग की एक्टिविटी क्या होती है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, मार्केट में इसके डोज कौन कौन से अवेलेबल हैं, कि मतलब वो 120 mg में अवेलेबल है, 500 mg में अवेलेबल है, उसकी डोजिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपने इसके ब्रांडेड ड्रग्स के नाम के, ये ड्रग जो है वो किस ब्रांड नाम से मार्केट के अंदर बिक रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। या आपने टाइटल के अंदर वैलिडेशन यूज किया है, कोई वैलिडेशन वर्ड यूज किया है, या कोई भी टर्म यूज की है तो उस टर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्म क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इस टर्म्स का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे वैलिडेशन वर्ड यूज हो गया, मेथड डेवलपमेंट वर्ड यूज हो गया, ICH वर्ड यूज हो गया, WHO वर्ड यूज हो गया, इस टाइप का अगर आपने कोई टर्म यूज करी है टाइटल के अंदर तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपको टाइटल में ही पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जब आपकी स्लाइड आती है तो सबसे पहले आपका टाइटल लिखा हुआ आता है कि आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। तो टाइटल में जो जो वर्ड या जो जो टर्म आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो होता है रिसर्च गैप। रिसर्च गैप का मतलब ये होता है कि आपने जो भी रिसर्च वर्क करी है उसका क्या फायदा है हुआ है, मतलब इस रिसर्च से क्या फायदा होगा समाज को, सोसाइटी को, या आप कभी कल को किसी कंपनी में जाते हैं तो अगर उस वो रिसर्च वर्क आप किसी कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं तो उस कंपनी को क्या फायदा होगा। या तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो वर्क आपने किया है तो इससे पहले यहां पर क्या काम हुआ था और आपके काम से इस काम में कितना ज्यादा डिफरेंस है। कहने का मतलब यह है कि आपने मान लो कि किसी ड्रग के ऊपर काम किया है, कोई नई मेथड डेवलप करी है, तो आपको ये बताना होगा कि पहले ये काम हुआ था इसमें, या तो उस पर कुछ काम हुआ ही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि सर ये पहली बार ही हुआ और ये मैंने ही करा है, बट आपने कोई ऐसा काम किया है जो पहले हो चुका था बट उससे अच्छा काम आपने किया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले जो काम हुआ था उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या डिसएडवांटेज थे और मैंने जो काम किया है उससे क्या फायदे होने वाले हैं। तो आपके रिसर्च करने का कुछ फायदा सामने वाले को दिखेगा, क्या जो भी एक्सटर्नल है उसको ये बात समझ में आएगी कि इस रिसर्च वर्क से कुछ ना कुछ तो सोसाइटी को फायदा होगा। तो इट इज कॉल्ड रिसर्च गैप, जिसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस टॉपिक या जो भी टाइटल लेके आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उसमें पहले क्या हुआ था और आपके इस काम से क्या फायदा होगा। जैसे कि आपने कोई नया फॉर्मुलेशन डेवलप किया है, उस फॉर्मुलेशन के आपको थोड़ा बताना होगा कि पहले ये फॉर्मुलेशन था, अब मैंने ये फॉर्मुलेशन यूज किया है, इसके अंदर ये एडिटिव्स यूज किए जाते थे, ये पहले काफी कॉस्टली थे, ये बिल्कुल सस्ते हैं, जिससे फॉर्मुलेशन की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, या कोई नई मेथड डेवलप करी है तो उस मेथड डेवलप में आप बता सकते हो कि पहले जो मेथड यूज की जाती थी वो काफी कॉस्टली थी, ये जो नई मेथड है ये थोड़ी सस्ती भी पड़ेगी, बहुत ईजी वे में हो जाती है और इसके रिजल्ट काफी ज्यादा एक्यूरेट आते हैं, पहले काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। या कोई आपने किसी हर्बल ड्रग के ऊपर काम किया है, कोई हर्बल ड्रग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी नई एक्टिविटी के ऊपर बताना कि पहले
जो ये जो हर्बल ड्रग है जिसके ऊपर मैंने रिसर्च वर्क किया है, तो इसके ऊपर जो पहले जो काम हुआ था वो किसी और एक्टिविटी के ऊपर हुआ था। एग्जांपल के लिए कि पहले जो काम हुआ था वो किडनी के ऊपर हुआ था, अब मैंने जो रिसर्च वर्क किया है वो लीवर के ऊपर है। मतलब मैंने इस हर्बल ड्रग की एक्टिविटी लीवर के ऊपर दिखाई है कि लीवर के ऊपर इसकी क्या एक्टिविटी होती है, पहले जो काम हुआ था वो किडनी पे हुआ था। तो इस तरीके से आपको रिसर्च के बताना होता है, जिससे कि ये पता चले कि आपने जो रिसर्च वर्क किया है ये काफ़ी काम का है और इससे सोसाइटी को भी फायदा होने वाला है। अगर आप रिसर्च वर्क सिस्टमेटिक वे में नहीं बता पाएंगे, रिसर्च गैप को सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे, अपने एक्सटर्नल को जो भी आपका वाई ले रहा है तो वो समझ जाएगा कि ये जो भी रिसर्च वर्क है किसी काम का नहीं है और आपने बिल्कुल टाइम पास किया है। तो ये चीज़ आपको पूरी तरीके से पता होनी चाहिए और अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन तो है ना, क्योंकि आप कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा सोसाइटी के लिए, उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है, तभी वो रिसर्च वर्क काम का है। इस तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो होता है प्लानिंग ऑफ रिसर्च वर्क। मतलब आपने जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसकी प्लानिंग कैसे करी, उसको प्लानिंग के लिए सीधी सी बात है, जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो हमको रेफरेंस की बात होती है कि आपने किसी ना किसी का रेफरेंस लिया होगा, कोई ना कोई रिसर्च पेपर का यूज किया होगा। तो उस समय जब आपका वाई चालू हो, आपका रिसर्च वर्क से रिलेटेड जो भी आपके रेफरेंस पेपर हो, खासकर जो भी इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर हो जिनको आपने एज ए रेफरेंस यूज किया है, उनकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए जो कि आप एक्सटर्नल को दिखा सके कि सर मैंने इन रेफरेंस पेपर का यूज करके अपना रिसर्च की प्लानिंग बनाई थी। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि ये जो रिसर्च पेपर जो भी आप एज ए रेफरेंस यूज करेंगे ये अच्छी सी इंडेक्सिंग से हो और एक काफी अच्छे जर्नल से हो, स्कोपस से होने चाहिए या इनका वेटेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी आलतू फालतू जनरल का रिसर्च वर्क यूज़ करेंगे या उसको एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एक्सटर्नल क्वेश्चन उठा सकता है कि ये जो पेपर आपने एज ए रेफरेंस यूज़ करा है ये जो जनरल है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना इसके पास किसी टाइप की इंडेक्सिंग है। तो इस तरीके से वहाँ पर आप एक क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ सकते हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब भी कोई रिसर्च की प्लानिंग करनी है तो एक अच्छे रिसर्च पेपर का यूज़ करें, अच्छे इंडेक्सिंग से रिलेटेड रिसर्च पेपर का यूज़ करना है और वाई के समय उसकी हार्ड कॉपी साथ में रखें। कम से कम उन पेपर्स की तो हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए जिसके अंदर आपने सबसे ज़्यादा रेफरेंसिंग यूज़ करी है, सबसे ज़्यादा जिससे एज ए रेफरेंस लिया है। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे कि अगर आपने कोई मेथड वैलिडेशन से रिलेटेड कोई गाइडलाइन यूज़ करी है, ICH गाइडलाइन का यूज़ कर रहे हैं आप, कोई WHO की गाइडलाइन का यूज़ कर रहे हैं, तो उस गाइडलाइन के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि उस गाइडलाइन का नंबर क्या है एज एन, क्योंकि उस गाइडलाइन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जब आप प्लानिंग की बात करते हैं तो आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में बताना होता है कि पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद मेरा आंसर आएगा, तो ये पूरी प्लानिंग होगी। तो उस प्लानिंग में आप जो जो गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप अपने रिसर्च वर्क के अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं और उसका ग्राफ अगर आप अपने स्लाइड के अंदर शो कर रहे हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर वो ग्राफ दिखा रहे हैं या अपनी थीसिस के अंदर वो ग्राफ दिखा रहे हैं, चाहे वो FTIR का हो, NMR का हो, मास का हो, UV का हो, HPLC का हो, GC का हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर वो ग्राफ हो तो आपको उसका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से आना चाहिए। कई बार लड़कों को इंटरप्रिटेशन नहीं आ पाता है और उसमें कई बार ये जो वाई है ना वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैंने कई बार देखा है कि जब कई लड़के और FTIR का यूज़ तो फार्मा में होता ही है क्योंकि ड्रग आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको FTIR का ग्राफ लगाना होता है और क्वेश्चन वहीं उठता है, लड़के अपने थीसिस के अंदर या स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर FTIR का ग्राफ शो कर देते हैं और वहीं पे जो एक्सटर्नल होता है वो FTIR का इंटरप्रिटेशन उनसे पूछ लेता है और एक पीक पूछ लेता है कि 1600 पे काई की पीक आई है, ये 2400 पे कौन सी पीक दिख रही है, 3200 पे कौन सी पीक है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। तो वहाँ पर ही लड़के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको ग्राफ और इंटरप्रिटेशन समझ के जाना है। कम से कम आपको इंटरप्रिटेशन नहीं भी आता हो तो जिस ग्राफ का आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी ड्रग का आप यूज़ कर रहे हैं और उसका जो भी ग्राफ है उसको आपको सिस्टमेटिक वे में समझ के जाना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड, उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आप अगर कोई ग्राफ यूज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च थीसिस के अंदर तो उसका इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको ग्राफ का इंटरप्रिटेशन तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ अगर आपने कोई पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा है, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट पे मेथड डेवलप करी है या आपने कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा है, चाहे वो FTIR हो, HPLC हो, UV हो, GC हो, NMR हो, मास हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल कम से कम आपको आना चाहिए कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल आप समझा सकें कि वो इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो क्या उसकी डेफिनेशन है, वो क्या टाइप से वर्किंग करता है, तो वो उसका काम क्या होता है,
इसको आपको थोड़ा मोटा मोटा याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपने एचपीएलसी के ऊपर मेथड डेवलप करी है तो ये तो मान के चलिए कि एचपीएलसी से रिलेटेड आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। वहाँ उसमें कौन सा डिटेक्टर यूज होता है, कौन सा कॉलम यूज होता है, मोबाइल फेस कैसे बनती है, बफर क्या होता है। बट अगर आपने केवल एक स्मॉल पार्ट ही उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करा, जैसे कि ड्रग आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एफटीआईआर का यूज करते हैं, तो यहां पर आपको केवल एफटीआईआर का केवल आपको प्रिंसिपल भी याद है तो भी चलेगा, तो उसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपका जो रिसर्च वर्क है वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें कई बार लड़के जो हैं वो अटक जाते हैं और उनके नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, वो बात ये होती है कि जब आपने कोई रिसर्च वर्क किया है, ठीक है, तो रिसर्च वर्क कैसे हुआ और उसका रिजल्ट क्या आया, ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बार बार या तो स्लाइड की तरफ देख के बता रहे हैं या बार बार थीसिस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रिसर्च की प्लानिंग पूरी तरीके से कंठस्थ याद होनी चाहिए, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ उनका आंसर क्या आया ये भी आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। मान लीजिए रीडिंग याद नहीं है, कोई बात नहीं है, क्या रीडिंग्स आई, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमने जब इसमें करा था तो इसके रिजल्ट कैसे थे, इसका कैसा था, एक उस तरीके से। पर्टिकुलर मैं आपसे रीडिंग भी नहीं पूछ रहा हूँ कि ये रीडिंग थी नहीं, बट आपको रिजल्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, जब भी स्लाइड प्रेजेंटेशन हो तो जितनी भी स्लाइड्स आए उनको आपको पलट के पढ़ के नहीं बोलना है, आपको तो एक्सटर्नल की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, पीछे स्लाइड चल रही है, आपको पता होना चाहिए कि स्लाइड नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। अगर आप बार बार स्लाइड की तरफ देखेंगे तो इससे एक्सटर्नल के दिमाग में बात आती है कि लगता है इसने कोई रिसर्च वर्क किया नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है और ये भी पहली बार रिजल्ट को देख रहा है। इसीलिए प्लानिंग ऑफ वर्क आपको सिस्टमेटिक वे में रटा हुआ होना चाहिए और उनके रिजल्ट क्या रहे वो भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज में आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, जब आप रिजल्ट्स पे जाएं या प्लान ऑफ वर्क्स पे आप जब समझाएंगे अपने एक्सटर्नल को तो उसमें आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करना है। अगर वहां पर आप लटके, आपने स्लाइड की तरफ देखना स्टार्ट किया या आपने इधर उधर देखना स्टार्ट किया, तो एक्सटर्नल के दिमाग में फिर क्वेश्चन ये उठेगा कि हो सकता है ये फर्जी वर्क हो और इसने कहीं ना कहीं से रिजल्ट लाया है या इसने काम किया ही नहीं है, तो वहीं से फिर क्वेश्चनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके प्लानिंग ऑफ वर्क और रिजल्ट के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना स्लाइड की तरफ देखे आंसर्स देते जाएंगे और उसको समझाते जाएंगे तो आपसे किसी भी टाइप की क्वेश्चनिंग नहीं होगी और आपका वाइवा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं और ये मेरी टिप है कि जब भी आप स्लाइड प्रेजेंटेशन हो, देखिए ज्यादातर जो वाइवा होते हैं ना उसमें स्लाइड प्रेजेंटेशन ही देखा जाता है, थीसिस ज्यादा जितने भी जो भी एक्सटर्नल्स होते हैं वाइवा के समय वो ज्यादातर थीसिस नहीं पढ़ते हैं, वो आपकी स्लाइड प्रेजेंटेशन पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। थीसिस तब पढ़ी जाती है अगर आपका जो इंटरव्यू है जो वाइवा है वो फेस टू फेस हो रहा हो और वहां पर स्लाइड प्रेजेंटेशन का कोई रोल ना हो, बट ज्यादातर स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू ही होता है तो वहां पर वो थीसिस पढ़ते नहीं है, वो थोड़ा सा एक आध पेज आगे के देखते हैं और उस थीसिस को रख के आपकी स्लाइड प्रेजेंटेशन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो एक टिप मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपको आपके रिसर्च वर्क में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो या आपको कोई चीज ऐसी लग रही हो कि यार ये चीज मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो कोशिश करें कि वो स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर वो पार्ट ऐड ना करें। अगर वो आप पार्ट ऐड कर दोगे तो क्वेश्चनिंग जरूर उस पर होगी, क्योंकि जैसे ही वो स्लाइड आएगी जिसपे आपको कंफ्यूजन है या आपको थोड़ा सा डर है, आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको किसी पार्ट के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको एफटीआर का बताया, एफटीआर का ग्राफ आप लगाते हो बट आपको उसका इंटरप्रिटेशन आता नहीं है, तो फिर आप लटक जाओगे। तो कोशिश करें कि अगर आपको एफटीआर का इंटरप्रिटेशन नहीं आता है तो आप उसको अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन से हटा दें, कोई क्वेश्चनिंग आपसे नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा तो आप बोल देना कि सर वो हमारी थीसिस में लगा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक हो गई बात। बट अगर आपने स्लाइड प्रेजेंटेशन में लगाया तो जेन्युइन है कि जैसे ही वो स्लाइड आएगी आपसे क्वेश्चन तो होना ही होना है, और वहां पर अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो हो सकता है कि वहीं पर आपका वाइवा कंप्लीट हो जाए और आपकी मार्किंग भी उसी हिसाब से हो। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर वही इंफॉर्मेशन ऐड करें जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, फुल नॉलेज हो, ठीक हो गई बात। ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग ऑफ वर्क और रिजल्ट ही हटा दें, ऐसा नहीं है। प्लानिंग ऑफ वर्क तो रिजल्ट तो लगाना ही लगाना है, भले आपको आता हो नहीं आता हो, लगाना ही जरूरी है। बट ऐसी चीजें जैसे कोई ग्राफ हो गया या कोई ऐसा वर्ड हो गया या कोई ऐसी टर्म हो गई जो आपको समझ में नहीं आ रही है बट आप स्लाइड प्रेजेंटेशन में लगा रहे हो, तो उनको आप हटा सकते हो। प्लान ऑफ वर्क
और रिजल्ट को तो लगाना ही लगाना है, ठीक हो गई बात। बट उसको उसके अलावा अगर किसी चीज के अंदर कंफ्यूजन है तो आप वो चीज हटा सकते हो। ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है या कोई रूल नहीं है कि आपको सारी चीजें लगानी ही लगानी है स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक हो गई बात। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये मेरी एक छोटी सी टिप थी। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।